इट्स अगेन ए सॉर्ट ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जब आप लोग हमें कंपटीशन करने नहीं दे रहे हो, कंपटीशन में जो रास्ता है उसी में आप लोग पहले रुकावटें पैदा कर रहे हो, तो हम कंपटीशन करेंगे कहाँ से? कम से कम अभी तक जो इंटरनेट पर खर्चा होगा वो 30-40-50 हज़ार तक हुआ अभी तक खर्चा जो हमने इंटरनेट पे लगाया अभी तक। जम्मू का कोई बंदा नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो चाहता है कि जो 4G है वो नहीं चले। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यू नो, लेकिन जो मैं देख रहा था विज कश्मीर आफ्टर 5th अगस्त 2019 जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था, एड्रेस टू नेशन विज कश्मीर, तो आई वॉज वेरी होपफुल दैट सर्टन थिंग्स विल नाउ इमर्ज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और पहली बार हम स्टेटहुड से यूनियन टेरेटरी में आए हैं, तो मैं समझता था कि बाकी फ्लोरिशिंग यूनियन टेरेटरीज की तरह हम भी प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन एक स्टेज आ गई, मैंने ये देखा कि शायद इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो शायद जम्मू कश्मीर की आवाम से प्यार नहीं करती है, वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन से प्यार करती है, और वो पाकिस्तान को एक जवाब देना चाहते हैं, चाइना को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन लोगों के वेलफेयर के लिए 14 महीने वेस्ट कर दिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग एंड आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग जल्दी होने वाला कुछ है। 4G इज़ जस्ट यू नो एक मिमिक बन के रह गया है, 3 डिस्ट्रिक्टों पर वो चल रहा है और बाकी डिस्ट्रिक्टों पर बंद है। अनफॉर्चुनेट आज बच्चे से बूढ़ा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आपके 4G से जुड़ा हुआ है। इट्स अगेन ए सॉर्ट ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जिसकी लाठी उसकी बहन, चलाते जाओ, जैसे चलता है जो होगा, जब डिलिमिटेशन होगी, इलेक्शन करेंगे तब देखेंगे जो लोगों को कैसे एड्रेस करना है। हम लोगों की जो स्टडी चलती है ना ऑनलाइन, आजकल मैक्सिमम क्या होता है कि बच्चे ऑनलाइन क्रॉस हुए प्रेफरेंस करते हैं, ऑफलाइन बड़े कम जा रहे हैं बच्चे, और उनका यही था कि 4-4 हज़ार के, 5-5 हज़ार के, इवन कि मैंने भी जो है 4 हज़ार का कोर्स खरीदा था। 2G की दिक्कत की वजह से जो ऐप्स की वीडियो होती हैं वो सपोर्ट करती है 360 डिग्री से ऊपर की है, जो 480 के करीब ही जो है सपोर्ट करती हैं, इससे नीचे तो करती ही नहीं है। तो हम लोगों को वो वीडियो एक तो बफरिंग होती थी, ओपन नहीं होती थी, इस वजह से इवन कि ना ही मैं मेरी लाइब्रेरी में, जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी उसमें से कम भी मेरी लाइब्रेरी में 200-250 बच्चा पढ़ता था, उनमें से 100 मेरे फ्रेंड करीब है जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज प्रेफरेंस किए हुए थे, और बाद में उनके क्या हो गया कि सारे कोर्स उनके वेस्ट चले गए। 4G की तो हम डिमांड करते रहे, ना हमें 4G मिला, ऊपर से 2G भी मिला हमें मार्च में जाके मिल रहा है, तो इस वजह से हमारी वो स्टडी काफ़ी बैकवर्ड चली गई। बात तो कंपटीशन की करते हैं ना कि जम्मू वाले बच्चे कंपटीशन से डरते हैं, ऐसा नहीं है कि जब आप लोग हमें कंपटीशन करने नहीं दे रहे हो, कंपटीशन में जो रास्ता है उसी में आप लोग पहले रुकावटें पैदा कर रहे हो, तो हम कंपटीशन करेंगे कहाँ से? जहाँ तक इंडिया की बात है तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो अब अगर डिजिटल है तो फिर वो इंटरनेट पे बेस्ड भी है, तो जब आर्टिकल 370 मतलब वो एब्रोगेशन जब हुआ 370 और 35A का, तो उस टाइम पे जब इंटरनेट बंद हुआ तो स्टेट में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी उस टाइम पे, तो बहुत सारे कस्टमर्स आते थे कि इंटरनेट की मतलब हमें इंटरनेट नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हर एक को प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो। जहाँ तक हमारी बात है तो हम हमारी दुकान की, तो हम डिपेंड ज़्यादा इंटरनेट पे ही थे, जैसे कि हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते थे, या कोई किसी बच्चे को रोल नंबर स्लिप चाहिए, कोई एडमिट कार्ड निकालने आता था, या कोई किसी को डॉक्यूमेंट्स मतलब भेजने थे या मंगवाने थे, तो हमारा इंटरनेट पे ही काम था। लेकिन जब इंटरनेट बंद हुआ तो उसके बाद हमने एक कनेक्शन निकाला, जो हमने कम से कम कोई 20 हज़ार का कनेक्शन निकला पहला, उसके बाद वो बंद हुआ क्योंकि उस पर भी बहुत कम स्पीड थी, उसके बाद हमने दूसरा कनेक्शन निकाला। कम से कम अभी तक जो इंटरनेट पर खर्चा होगा वो 30-40-50 हज़ार तक हुआ अभी तक खर्चा जो हमने इंटरनेट पे लगाया अभी तक। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि पहले 4G था, तो जब हम कोई भी लाइव वीडियो करते थे, क्योंकि आजकल लाइव का ज़माना है, युवा पीढ़ी ज़्यादा जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो जब लाइव चलता है हमारा तो कई वक्त लोग लाइव छोड़ देते हैं क्योंकि ब्लर सिस्टम ज़्यादा रहता है, उसके साथ हमारी न्यूज़ को भी काफ़ी असर होता है। पहले की अगर बात करें तो पहले कई लाख लोग जो हैं वो देख लेते थे, लेकिन अभी उस तरह से नहीं है। इसके साथ मुझे लगता है कि लोगों को भी परेशानी है, लोग भी कहीं ना कहीं अनटच्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अनकनेक्ट हो रहे हैं, और हमारे काम पर भी असर पड़ रहा है। हाँ, अगर हम जम्मू के लोग बात करें तो जम्मू में तो हालात बिल्कुल अच्छे हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लिए कह सकते हैं कि चलिए वहाँ पर कुछ माहौल ख़राब रहता है, लेकिन अगर जम्मू की बात करें, जम्मू के लोगों को
ये एक पुनिशमेंट ही जो है वो दी जा रही है। जम्मू का कोई बंदा नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो चाहता है कि जो 4G है वो नहीं चले। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जम्मू के लोगों को सज़ा दी जा रही है। Thank you.